इलेक्शन मुहिम का बाकायदा आगाज कर दिया है। ये सीट 1988 से मुसलसल एमक्यूएम के पास रही है, लेकिन गुज़िश्ता इलेक्शन में हमसे ये सीट ज़बरदस्ती छीनी गई थी और हम दोबारा से मैदान में हैं। एन ए 246 के लिए हमारे उम्मीदवार 47 से हमारे उम्मीदवार सादिक भाई किसी तारुफ के मोहताज नहीं है। ये एक कराची के परमानेंट बिजनेसमैन है और एक जानी पहचानी और पढ़ी लिखी शख्सियत है। इंशाल्लाह मैं दरख्वास्त करूंगा इजहार भाई से, इजहार भाई को भी बरमा लें। मेरा नाम सादिक इफ्तिखार है, मैं एमक्यूएम का उम्मीदवार हूँ। इस इलेक्शन में आप लोग को बखूबी वाजे हो जाएगा जो एमक्यूएम के साथ धांधली ज्यादती हुई है। इस दफा जो वोट डलेंगे वो ये मैंडेट आपको बखूबी बताया जाएगा कि किस साजिशों से एमक्यूएम से हमारे ये वोट बैंक छिना गया। और आप मीडिया के तवज्जो से मैं रिक्वेस्ट करूंगा जिन भाइयों ने इन्हीं जमातों को आज हमारा दूसरा इलेक्शन ऑफिस का इफ्तिताह हुआ। रणछोड़ लाइन का ये मरकजी इलेक्शन ऑफिस है। इससे पहले हमने दिल्ली बारूदी में इलेक्शन ऑफिस खोला है, तीसरा इलेक्शन ऑफिस जल्द ही उसका इफ्तिताह करेंगे। और इसी तरीके से छोटे बड़े मरकजी से हट कर और बहुत सारे दर्जनों इलेक्शन ऑफिस खोलने। आप तमाम साफी आजाद की आमद का शुक्रिया। एमक्यूएम के इलेक्शन की कैंपेन बहुत मुख्तसर वक्त में चल रही, लेकिन कैंपेन पूरे जोरों शोर से ये 100% हमारी जीती हुई सीट थी, जीती हुई सीट है। यहाँ पर मजमून प्रोपेगेंडे के तहत हमारे वोटर्स, हमारे हमदर्दों को उनकी हौसला शिकनी की है। हम सिर्फ सादिक इफ्तिखार साहब की इलेक्शन कैंपेन नहीं चला रहे, हम एमक्यूएम के खिलाफ होने वाले उस प्रोपेगेंडे और उस साजिश को भी बेनकाब कर रहे। हम सिर्फ इलेक्शन कैंपेन में, इलेक्शन मुहिम में डोर टू डोर रात तक करके सिर्फ वोट या वोटर कैंडिडेट का तारुफ नहीं कराते, बल्कि यहाँ पे होने वाली ज्यादतियों और हमारे जो बंदियाती नुमाइंदों के साथ जिस तरह से नार्मल सलूक रखा गया, इस डिस्ट्रिक्ट साउथ के चेयरमैन और हुकूमत ने हम उनसे भी आगाह करें। खौफ और साजिश का दौर खत्म हो चुका। एम के एम एक बात है भरपूर ताकत से आवाम में उतर चुकी है। एमक्यूएम के कारकुनान को रजम तरीके से दोबारा से अपनी इस सीट को वापस लेने के लिए दिनों रात कोशिशें कर रहे हैं और इंशाल्लाह जीत हक परस्ती की होगी। बैलेट बॉक्स से इस बार सिर्फ रणछोड़ लाइन में वोट डाल दिया तो 247 हम जीत जाए, सिर्फ रणछोड़ लाइन के वोट जीत। लेकिन इंशाल्लाह ताला डिफेंस, लेफ्टिनेंट, दिल्ली कॉलोनी, रणछोड़ लाइन, बंस रोड, इन तमाम इलाके, सदर, इन तमाम इलाकों के लोग इंशाल्लाह वो समझ चुके हैं कि उनके साथ इस प्रोपेगेंडे में इस शहर के साथ क्या होगा। कराची के लोग जान चुके हैं, ये हर खास व आम की जुबान पर ही बात है, ये एमक्यूएम के साथ किया गया, लोग हमसे भी ये बात। लेकिन आप देखें एमक्यूएम इसके बावजूद जमहूरी रिवायात को बरकरार रखते हुए हुकूमत को भी सपोर्ट की, हुकूमत को भी मजबूत किए और शहर की खिदमत भी कर रहे हैं और अपना खोया हुआ जो हमारी कोई भी नशिस्त है जहाँ जहाँ बाई इलेक्शन होगा इंशाल्लाह
वहाँ लड़ेंगे, 247 भी जीतेंगे, PS 111 भी जीतेंगे और LA 243 भी इंशाल्लाह ताला दूसरे रिकॉर्ड से वो भी